Good morning, all of you. Welcome to Alpha Science Academy, and we are at lecture number 11 of the Science and Tech series. Now we are doing the physics part, but then this is not the whole of the physics. कुछ भी पूछ सकते हैं. और साइंस एंड टेक के साथ अच्छी बात क्या है कि इससे बड़े करंट के क्वेश्चन आते हैं. तो एक और सीरीज करेंगे जिसमें कि आप करंट पढ़ाएंगे, बट देन ये वाला जो फाउंडेशन जो कोर्स है ये बेसिकली बच्चों को एक आइडिया देने के लिए. कई सारे बच्चे हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं जो कि आर्ट बैकग्राउंड से होते हैं या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होते हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं. तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझें. उसके बाद जो हम एक और सीरीज लाएंगे अपनी करंट अफेयर्स की, उसमें आपको सब पढ़ा देंगे. तो आप टेंशन ना लें कि ये काम का है या नहीं है. डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप हमारे नोट्स पे पढ़ सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है तो वो उसके लिए वीडियो काफ़ी है. सो आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड बिगनिंग फॉर द डे. फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज मोशन. नाउ देखो, मोशन क्या है कि एनी थिंग दैट इज मूविंग, है ना. कुछ भी जो मूविंग है या मोशन में है, ठीक है, आप चल रहे हो, आप दौड़ रहे हो, तो ये चीज़ क्या है, मोशन में है. अब जब आप स्ट्रेट लाइन में चलते हो तो उसको बोल देते हैं, आपका रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, अगर आप सर्कुलर में चलते हो तो उसको बोल देंगे सर्कुलर मोशन. ठीक है, अगर आप एक पेंडुलम है, अगर आप उसको ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं पीरियोडिक मोशन. ठीक है, ये होते हैं पीरियोडिक मोशन. अच्छा, पेंडुलम के साथ खास बात क्या है कि गिवन एनी लेंथ, पेंडुलम की कोई भी लेंथ आप ले लो, इट टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन. भाई वन ऑक्सीलेशन कहाँ से होती है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे, फिर यहीं वापस आके यहीं पे रुक गया. दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, एंड दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. व्हेन यू स्टेट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, आप सीधा दौड़ रहे हो. ठीक है, फ्लाइट है, फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है सीधा रनवे पे दौड़ती है, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन. अब बहुत सारे मोशन लगते हैं, बट देन ये बात थी उसको उसमें जब वो दौड़ रही होती है रनवे पे, उस टाइम उस पर रेक्टिलिनियर मोशन लगता है. अब बात करते हैं फोर्स की. देखो भैया, फोर्स क्या है, अब किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए आपको फोर्स लगेगी. ठीक है, आप जो है उसको मूव करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा. ठीक है, तो दो टाइप की फोर्सेस होती हैं, एक एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो गई आपकी, ये भी दो टाइप की हो गई, एक तो मस्कुलर फोर्स. ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को धक्का दे दिया, आपने अपने फ्रेंड को खींच लिया अपनी तरफ. ठीक है, देन फ्रिक्शनल फोर्स. भाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, आप जब धक्का देते हो, भाई आप बेड खिसका रहे होते हो तो बेड स्मूथली तो खिसकता नहीं, तो उस पर क्या है, रेजिस्टेंस लगता है. ठीक है, नीचे फर्श फर्श से क्या होता है, रेजिस्टेंस लगता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स. देन बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की. तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे हो गई आपकी, मैग्नेटिक फोर्स. भाई चुंबक के आसपास लाओगे तो आप देखते हो कि आयरन खुद चिपका चला जाता है. फिर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई. भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई क्या होती है, कि अगर आप किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड कोई भी अनचार्ज बॉडी या चार्ज बॉडी लाओगे तो वो मूव करेगी. देन होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, गुरुत्व आकर्षण. ठीक है, क्या होता है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपस में मूव कर रही हैं, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से. फिर आपके पास क्या होता है, एक प्रेशर होता है. भाई प्रेशर क्या होता है, आपने हाथ लिया, आपने अपने टेबल पे जो है उस हाथ को दबा रहे हो आप, तो उस पे जो चीज लग रही है दैट इज प्रेशर. भाई आपके ऊपर क्या होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है ना. जैसे अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको बहुत मजा तो आ नहीं रहा, बट देन आपको जीवन में कुछ करना है तो आप ये लेक्चर देख रहे हो, तो आपके ऊपर क्या है, प्रेशर है. बट देन प्रेशर लिया मत करो, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ो. प्रेशर ना लेने के लिए अल्फा एस अकेडमी का हमने नींव रखी थी, फाउंडेशन रखी थी, क्योंकि हम खुद प्रेशर नहीं ले सकते. और जब हम वहाँ पढ़ते थे तो हमें लगता था कि हम प्रेशर कुकर में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो प्रेशर रिलीज करो. ठीक है, और प्रेशर की डेफिनेशन याद करो, इट इज़ दी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, दैट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. देन फ्रिक्शन की बात करें, देखो फ्रिक्शन मैंने आपको बता दिया, आप इधर मेरे को जाना है, आराम से स्मूथ हो रहा है, अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो फ्रिक्शन लग रहा है. ठीक है, तीन टाइप के फ्रिक्शन होते हैं भाई, रोलिंग फ्रिक्शन, आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन और आपका स्टैटिक फ्रिक्शन. ये क्या होते हैं, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. अब बात करते हैं स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की. भैया स्पीड क्या होती है, भाई कोई भी चीज़ किस गति से आगे बढ़ रही है उसको क्या बोल देते हैं, स्पीड बोल देते हैं. वेलोसिटी क्या होती है कि स्पीड प्लस डायरेक्शन. ठीक है,
स्पीड प्लस डायरेक्शन। जब आप स्पीड को डायरेक्शन दे देते हैं तो उसे बोलते हैं वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है डिस्प्लेसमेंट का। भाई स्पीड क्या होती है वैसे तो? स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? ये फॉर्मूला होता है ना आपका। देन जब आप स्पीड में ऐड कर देंगे क्या डायरेक्शन, भाई किस डायरेक्शन में आप कितनी स्पीड से जा रहे हैं, तभी क्या बन जाएगी वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोल देंगे आप? एक्सेलरेशन। भाई किस रेट से आप अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहे हो उसको क्या बोल देंगे? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक चीज होती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। भाई ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है, नीचे बनाते हैं इसको। ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इससे आप सीधा जा सकते हो। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और आप यहाँ से यहाँ ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे 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 भी जा सकते हो। ये सब बाकी क्या है? ये सब डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब सर्कुलर में जो डिस्टेंस तो कुछ 2πr होता है, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, क्योंकि अगर आप सर्कुलर कोई भी ट्रैक लेंगे आप तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो रहेगा हमेशा, क्योंकि आप उसी पोजिशन पर आगे खड़े हो जाते हैं। अगर आप ए से स्टार्ट किया, आपने वापस घूम के ए पर ही आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूटन्स के लॉ की। तीन लॉज हैं, बड़ा अच्छा डायग्राम है। न्यूटन के तीन लॉ, पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। भाई लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हैं? कि कोई भी बॉडी अगर वो मोशन में है या वो रेस्ट में है, तो वो तब तक मोशन या रेस्ट में ही रहेगी जब तक आप उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। मान लिया मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं बैठा ही रहूंगा जब तक कोई आके मुझे धक्का नहीं दे देता, या मैं दौड़ रहा हूँ तो मैं दौड़ता ही रहूंगा अनटिल अनलेस कोई फोर्स आके मुझे रोक नहीं लेती। तो ये थी लॉ ऑफ इनर्शिया, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। भाई सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन आपने सबने पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल्स टू एम इनटू ए, ठीक है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, भाई मतलब जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। और एफ इज इक्वल्स टू एम इनटू ए है, तो ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, तो मतलब ए और एम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन कम होगी, मतलब जितना भारी, भाई आपने देखा होगा फरारी कितनी तेज चलती है और एक ट्रक कितना हल्का चलता है, तो किसकी वजह से? मास, क्योंकि ज्यादा है, ठीक है। देन न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है, आप किसी से मोहब्बत करो कोई आपसे मोहब्बत करेगा, ऐसा होता नहीं है, बट देन एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। वो मोहब्बत में भी हो सकता है, वो नफरत में भी हो सकता है, बट रिएक्शन जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि आप कोई भी एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन जरूर होगा, ठीक है। उसके दो क्राइटेरिया, एक तो आप उस दूसरे बंदे पर फोर्स, मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड एग्जर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू द फर्स्ट। भाई आपने बॉल देखी है, बॉल कभी आप दीवार पे मारते हो बॉल आपके पास आ जाती है, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेविटेशन की। भाई देखो ग्रेविटी क्या है, देखो ये आपका अर्थ है, ये आपका मून है। अब मून जो है अर्थ के सर्कुलर में घूमता है, भाई सीधा क्यों नहीं घूमता ये? क्योंकि ये एक फोर्स लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल, भाई आपने देखा ऐसे अगर लट, अगर आप पेन पे रस्सी बांध के कोई चीज घुमाएं ऐसे ऐसे, इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मून पे लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये माना गया, देखो ये माना गया कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके न्यूटन ने कंक्लूड किया कि जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो एक दूसरे पे फोर्स अट्रैक्शन फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उसने कह दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि सन है और अर्थ है, भाई सन कुछ फोर्स एग्जर्ट करेगा अर्थ पे, उसको हम F1 ले लेते हैं, और कुछ अर्थ सन पे एग्जर्ट करेगा उसको हम F2 ले लेते हैं। तो एक हमें लॉ क्या मिला कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो F1 इज इक्वल्स टू F2, ये दोनों फोर्स जो है किसके इक्वल होगी? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो अगर हमने सन का मास M ले लिया, M मतलब भार, मास मतलब भार, और इसका मास चलो A और B ले लेते हैं, सन का मास A ले लिया
अर्थ का मास बी ले लिया, तो उसने क्या बोला कि प्रोडक्ट के तो वो प्रोपोर्शनल होगा, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो अगर हमने इसके बीच में डिस्टेंस आर ले लिया या डी ले लिया तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मिल जाता है आपको। जी क्या होता है? जी 9.8 होता है यहाँ पर। ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट देन कभी और समझा लेते हैं। देन वर्क एंड एनर्जी, भाई हम कब बोलते हैं कि एक वर्क हुआ है, कब हम बोलते हैं कि वर्क डन हुआ है? भाई उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो ये कि अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट हुई होनी चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह से हिला होना चाहिए, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट शुड हैव बीन डिस्प्लेस्ड। ठीक है, शुड बी डिस्प्लेस। जब आप कोई फोर्स लगाएंगे और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, उसको हम बोल देंगे कि वहां पे वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये होता है आपका वर्क डन। इसको किस में नापते हैं आप? न्यूटन मीटर में या जूल में नाप लेते हो? ठीक है, न्यूटन मीटर या जूल में नापते हो। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो अलग कहानी है, छोड़ दो उसको। देन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देखो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, एन नंबर ऑफ वो है। दो एनर्जी आपको पढ़ा देते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है, द एनर्जी विच इज ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये बच्चा जो है ये झूला झूल रहा है ऐसे, इस टाइम इसके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी चीज की को हाइट पर रखने से, किसी चीज को ऊंचाई पर पहुंचाने की वजह से, ऊंचाई पर लाने के लिए जितनी उसको एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी एक्वायर कर लेती है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी विच इज ड्यू टू हाइट। अब हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, सिंपल है, कल भी पढ़ाया था हमने कि भैया एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, मतलब जब भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी इट विल, टोटल एनर्जी तो आपकी अनचेंज रहेगी। अगर ये एनर्जी है और ये किसी और चीज में चले गई, ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहेगी। ये कौन बोलता है? ये हम नहीं बोलते, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है। ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट है आपके पास पावर का। पावर का मतलब है कि आप किस रेट से काम कर रहे हैं, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप की पावर ज्यादा है तो आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क ज्यादा होगा, आपके पावर कम है तो आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क कम होगा। ठीक है, अब उल्टा भी होता है, जब आप हल्के काम करेंगे तो आपकी पावर कम होगी, जब आप तेज काम करेंगे तो आपकी पावर ज्यादा होगी। अब बात कर लेते हैं साउंड की। भाई साउंड क्या होती है? जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं साउंड है, ठीक है, आवाज हमारी। ठीक है, अब साउंड की खासियत क्या है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती है, लेकिन ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। याद रखिएगा ये बात, साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, और जब स्पीड ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, जब मान लिया फाइटर जेट आपने देखे होंगे, फाइटर जेट की स्पीड जब स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो जाती है तो देर इज समथिंग कॉल्ड अ सोनिक बूम होता है। ठीक है, सोनिक बूम होता है। सोनिक बूम कब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जब स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो जाती है तो एक बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है जिसको हम सोनिक बूम मिलता है। आप यूट्यूब पे जाकर देखिएगा, बड़ा अच्छा लगता है सोनिक बूम सुनने में, कूं करके आवाज आती है। ठीक है, देन प्रोपोगेशन ऑफ साउंड की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया कि सॉलिड लिक्विड गैस में प्रोपोगेट होगी, वैक्यूम में नहीं होगी। भाई प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको आवाज सुनाई दे रही है, अब चलो अभी तो रिकॉर्ड हो रही है, बट देन ये मेरे मुंह से और माइक तक भी तो पहुंच रही है, तो किसके थ्रू पहुंच रही है? एयर के थ्रू। ठीक है, अभी हमारा मीडियम क्या है? एयर है। ठीक है, अच्छा एक और चीज होती है, जितनी ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है स्ट्रक्चर उतनी जल्दी आवाज ट्रेवल होती है, तो सॉलिड में आवाज जल्दी ट्रेवल होगी और लिक्विड में थोड़ी हल्की और गैस में सबसे हल्की। ठीक है, देन वेव नेचर ऑफ साउंड। भाई होता क्या है, साउंड ट्रेवल कैसे होती है मैं बताता हूँ। भाई पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एयर में, आपने जैसे ही बोला तो ये ऑक्सीलरेट या वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एंड वाइब्रेशन कैसे होता है? वाइब्रेशन होता है आपका टू एंड फ्रो वाइब्रेशन होता है। टू एंड फ्रो वाइब्रेशन कैसा होता है? ऐसे, ठीक है,
एक दो वापिस आ जाता है, ए पहले इधर जाएगा, इधर इधर जाएगा, इधर इधर जाएगा, इधर इधर जाएगा, इधर टू एंड फ्रो ऐसे हिलता है, जू ऐसे ऐसे आवाज आती है, ऐसे ऐसे करके हिलता है, तो इसको बोल देते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो ऐसे जितने भी पार्टिकल होते हैं वो सब टू एंड फ्रो मोशन में होते हैं, ठीक है, और सारे मूव करते हैं। जब पहली वॉइस निकलती है तो सबसे पहले क्या होता है, ये वाले पार्टिकल होंगे, ठीक है, तो इनका कॉम्पैक्शन होता है, ठीक है, कॉम्पैक्शन के या आगे रिफ्रैक्शन करते हैं, ठीक है, इनका कॉम्प रेयर फ्रैक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन था आगे पढ़ेंगे लाइट में, रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो पहले क्या होगा, इन पार्टिकल्स का कंप्रेशन होगा, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ऐसे ऐसे ही करके सारा वाइब्रेट होता है और साउंड आप तक पहुंचती है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द वेव नेचर ऑफ साउंड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेव नेचर। और ऐसे जो ट्रेवल करती है, जो पैरेलल ट्रेवल करती है, ठीक है, जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स के पैरेलल ट्रेवल करती है, इसको मैकेनिकल वेव्स बोल देते हैं। अभी तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, कई बार पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट होते हैं, ठीक है, कई बार पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे होते हैं, ऐसे 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 वाइब्रेट होते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ये आपकी कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, साउंड के बारे में इतना है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि आप ने भाई, आपको पता है कि जब आप बोलते हैं तो क्या होता है कि टू एंड फ्रो मोशन होता है पार्टिकल्स में, वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, तो वो 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, या एक बार में नंबर ऑफ ऑक्सीलरेशन कितने होते हैं उनके, तो उसको बोल भाई ऑक्सीलेशन, मैंने आपको पता है एक वापस अपनी जगह पे आना तो वो एक ऑक्सीलेशन गिना जाता है, ठीक है। तो जब वो वाइब्रेट करते हैं तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी। इसी में भाई मतलब वन, और इसको अगर वन, ये 1 हर्ट्ज है तो मतलब एक बार ऑक्सीलेट किया उसको, ऑक्सीलेट किया। और जो अल्ट्रासाउंड है उसको ऑक्सीलेशन पता कितना होता है, लगभग लगभग ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 सेकेंड में 20,000 बार ऑक्सीलेट कर जाते हैं, इतनी तेज उनके अंदर वाइब्रेशन होती है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के अंदर, ठीक। तो ये तो बात हो गई फ्रीक्वेंसी की। देन स्पीड की बात करते हैं। भाई स्पीड क्या हुआ कि जितनी सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, जितना कॉम्पैक्ट होगा मटेरियल उतनी तेज स्पीड होगी, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम होगी, एंड गैस में सबसे कम होगी, वैक्यूम में तो वॉइस ट्रेवल करती ही नहीं है। देन एम्पलीट्यूड की बात करें। भाई एम्पलीट्यूड क्या होता है, सबसे ऊपर जो पॉइंट होता है, जब एक आपका कोई भी नोड हो गई या कोई भी वेव हो गई, तो जिस जो उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस, तो आपका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्टरबेंस, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, ठीक है। तो दो के बीच में कितना टाइम लगता है, दो क्रेस्ट के बीच में या दो ट्रफ के बीच में, उसको बोल देते हैं टाइम पीरियड, इसको सेकंड्स में नापा जाता है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज दी आपका लाउडनेस, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउडनेस, ठीक है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा आपका डिस्टरबेंस, ठीक है। वेवलेंथ को आप कैसे और बोल सकते हैं कि किसी भी डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड टू कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, तो उसको भी कॉन्जिक्यूट, बट मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा रहा था, तो टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड टू कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको भी, उसको क्या बोलेंगे आप, उसको वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है, उसको बोल देंगे आप वेवलेंथ। ये तो
वेवलेंथ क्या हो गया आपका, पीछे लिख दिया मैंने, डिस्टेंस बिटवीन टू रेयर फैक्शन एंड टू कंप्रेशन, टू कॉन्जिक्यूटिव रेयर फैक्शन, ठीक है, और टू कंप्रेशन, तो वो हो गया उसका वेवलेंथ। अच्छा, साउंड लाउडनेस के बारे में हम आपको बता रहे थे, तो मैक्सिमम जो डिस्टर्बेंस, जो मैक्सिमम जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा लाउडनेस होगी, ठीक है। अच्छा, लाउडनेस और एम्पलीट्यूड के बीच में क्या डिफरेंस होता है कि ये स्क्वायर में बढ़ता है, मतलब अगर आप एम्पलीट्यूड को दो बढ़ाओगे तो लाउडनेस चार बढ़ेगी, अगर आप एम्पलीट्यूड को चार बढ़ाओगे तो आपकी लाउडनेस आठ बढ़ेगी, ठीक है, ये बाय ट्वाइस बढ़ता है, ठीक है, लाउडनेस, ठीक है, लाउडनेस। और एक चीज होती है कि पिच, ये लाउडनेस और पिच जो होती है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, पिच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस, मतलब जितनी ज्यादा लाउडनेस होगी उतनी कम पिच होगी, जितनी कम पिच होगी उतनी ज्यादा लाउडनेस होगी, ठीक है, उल्टा होता है, ठीक है। पिच क्या होता है, श्रिलनेस, आपका जो कान में आवाज चुभती है ना, कई बार श्रिल होती है आवाज, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका पिच। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, ये आपका टाइम पीरियड होता है, एक क्रेस्ट और या एक ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, वो आपका टाइम पीरियड हो गया, कितना उसको टाइम लगा पहुंचने में वापस ऐसे, तो ये, तो यहाँ से पहुंचने में कितना टाइम लगा इसको वापस, इसी को टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। पिच हो गया, एंड साउंड्स तो आपको पता ही है, बहुत सारी साउंड्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड होती है जब 20 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड बोल देते हैं, डॉग्स के पास एबिलिटी होती है, सिर्फ डॉग्स जो है वो अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे दो तीन कॉन्सेप्ट है, एक तो इको, एक रिवर्बेशन। भाई इको क्या होती है, आपकी वॉइस इको करती है ना, आपने हेलो बोला तो आपको मिनिमम डिस्टेंस में मिनिमम टाइम 0.1 सेकंड का होता है वापस आने में, कई बार टकरा के वापस आती है आपकी वॉइस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इको, ठीक है। वो एक कॉन्सेप्ट होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, भाई रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मतलब अगर आप दीवार के साथ किसी बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर कुछ बोलोगे ना, तो आपकी जो साउंड है वो बाउंस बैक होती है कई बार, ठीक है, बाउंस बैक होती है, तो इसलिए जो स्टूडियोज होते हैं आपने देखा होगा उसमें गद्दे वगैरह लिखे रखे होते हैं, अगर आप खाली हॉल में कुछ बोलोगे तो वॉइस आपकी इको करती है। देन इको से एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है रिवर्बेशन, भाई रिवर्बेशन क्या होता है कि कंटिन्यूस साउंड चलती है, आपने कभी सुना, आपने हेलो, आपने हेलो बोला, आपने एक बार हेलो बोला, साउंड क्या चलेगी आपकी हेलो 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 हेलो, क्या होता है साउंड कम होती जाते हैं रिवर्बेशन, इसको क्या बोलते हैं रिवर्बेशन, आपने एक बार हेलो बोला तो आप एक बार क्या हेलो 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 हेलो, ये जब माइक वगैरह टेस्टिंग वगैरह माइक टेस्टिंग होती है आपने सुना होगा, तब रिवर्बेशन चेक होता है, रिवर्ब की कम किया जाता है, तो रिवर्ब अगर आप साउंड का आपने पैनल देखा होगा उसमें रिवर्ब का भी ऑप्शन होता है, ठीक है, जो रिवर्ब होता है ये वो यही होता है रिवर्बेशन, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड की बात कर लें, तो भैया आप तो आपकी एक तो बॉडी में चेक होता है, अच्छा रिवर्बेशन को ही कम करने के लिए जो हॉल्स होते हैं उनकी एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो हॉल होते हैं बड़े बड़े उनकी दीवारें होती हैं वो कर्व्ड होती हैं, वो कर्व्ड इसलिए होती हैं ताकि जो इस पे जब वॉइस जब इस पे साउंड पड़ती है ना भाई स्ट्रेट, जब अगर स्ट्रेट होगा तो बड़ी स्ट्रेट से मैन लग कई प्लेसेस ऐसी रह जाएंगी हॉल की जहाँ पे कि वॉइस पहुँच नहीं पाएगी, बट देन जब कर्व्ड होती है ना वॉल्स तो आपकी सारी जगहों पर पहुँच जाती है वॉइस, ठीक है, क्योंकि उसका एंगल अलग बन जाता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड की बात करूं अगर मैं, तो अल्ट्रासाउंड देखो कहीं से भी गुजर सकता है, 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की इसकी वाइब्रेशन, मतलब 20,000 फ्रीक्वेंसी इसकी लगभग लगभग ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज़ से अल्ट्रासाउंड, आपने सुना ही होगा कि भाई आपका USG करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली, अल्ट्रासाउंड एक तरीके की वेव्स छोड़ता है, ठीक है, तो उससे आपकी अगर हर्ट की बात करूं तो आपकी इमेज बन जाती है हर्ट की, तो उसको तो वो बोल देते हैं ECG, ठीक है, जो वेव्स आप आई आपकी और उसे आपने नोट कर लिया ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, एक पेपर पे निकाल लिया प्रिंट आउट, इसको बोलते थे ECG। अब इसी ECG को जब आप किसी वेव्स को जब आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, किसी ECG को इसी वेव्स को जब आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपके पास एक चला जाती है हर्ट की, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी या सोनोग्राफी, ठीक है। देन एक चीज़ होती है सोनार, देखो सोनार क्या होता है, ऐसे आपका शिप होता है, शिप के आगे लगा होता है, तो ये एक्चुअली अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस नापने के लिए ये काम आता है, ठीक है, ऐसे ये वेव्स छोड़ता है और जितनी देर बाद ऑब्जेक्ट से, मान लिया यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से टकरा के कितनी देर में
वेव वापस पहुंचती है सोनार तक, उसी के बेसिस पे जो है डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट एंड दी शिप निकाला जाता है। तो बेसिकली सोनार इज यूज टू लोकेट यू नो अंडर वाटर हिल्स वैलीज वट एवर ऑब्जेक्ट अंडर द वाटर इज। ठीक है, अच्छा सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो आई थिंक दिस विल बी ऑल इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई विश यू अ वेरी हैप्पी डे। कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी एंड आई शैल सी यू टुमारो।